हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हॉल इफेक्ट के बारे में। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। हॉल इफेक्ट को सर एडविन हॉल ने 1879 में डिस्कवर किया था। हॉल इफेक्ट को ईजिली समझने के लिए हमें पहले समझना होगा लॉरेंस फोर्स क्या होता है। तो ये बहुत ही ईजी है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अगर चार्ज क्यू है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा F, यही है लॉरेंस फोर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो पोल लिए मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आप जानते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कोई चार्ज क्यू यहाँ से पास हो जाए, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड से होके गुजर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए चार्ज ऐसे सीधा जा रहा है, स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, लेकिन जब मैग्नेट के होने से, मैग्नेटिक फील्ड के होने से, ये स्ट्रेट नहीं जाएगा। ये हो सकता है इस तरह से बेंड हो जाए, ये हो सकता है इस तरह से बेंड हो जाए, मतलब चार्ज की जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है एफ़। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, तो उस पे फोर्स लगता है एफ़, जिससे क्या होता है, चार्ज पे चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वो इस तरफ भी जा सकता है, वो इस तरफ भी जा सकता है। मोशन की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से जाएगा। ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से भी जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। ये होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये होता है लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये हमने सोचा लॉरेंस फोर्स के बारे में। अब चलिए समझते हैं हॉल इफेक्ट क्या होता है। तो हॉल इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस हमने बैटरी लगा दी, जाहिर सी बात है इसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन हॉल इफेक्ट क्या होता है? हॉल इफेक्ट ये होता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, हम क्या कर दें, एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर दें। किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अक्रॉस, मतलब यहाँ पे हम वोल्टेज प्रोड्यूस कर दें। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के यहाँ पे हम क्या कर दें, यही है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट ये हमें बताता है कि अगर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर यहाँ पे मैंने लिया है, इसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, अब इसमें जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन हॉल इफेक्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, यानी वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। यही बताता है हमें हॉल इफेक्ट। लेकिन कब? जब इसमें करंट फ्लो होगा तब। अब चलिए इसके सेटअप को जानते हैं। हमें क्या करना है हॉल इफेक्ट में? हॉल इफेक्ट में हमें क्या करना है, एक कंडक्टर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडक्टर, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस कंडक्टर के पास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा देना है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल हमको यहाँ पे लगा देना है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और हमने क्या कर दिया, नॉर्थ पोल को इसके ऊपर की तरफ लगा दिया और साउथ पोल को इसके नीचे की तरफ लगा दिया। यहाँ पे कंडक्टर है और नॉर्थ पोल को ऊपर की तरफ लगा दिया और साउथ पोल को नीचे की तरफ लगा दिया। क्योंकि ये 2D फिगर है तो मैं आपको बता नहीं सकता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और साउथ पोल नीचे की तरफ, इस तरह से होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ। आप जानते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? नीचे की तरफ। ये हमने यहाँ पे जाना। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है आई, तो करंट की डायरेक्शन तो इधर से होती है, प्लस से माइनस की तरफ, इस तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोशन करेंगे। अब इसमें इफेक्ट क्या होगा? इसमें इफेक्ट ये होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड जब लगा देंगे किसी भी चार्ज, जब कोई चार्ज मूव कर रहा होता है, हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसके चार्ज जो होंगे वो थोड़े से डेविएट हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको लॉरेंस फोर्स में बताया। इसके चार्ज पे फोर्स लगेगा, ये अपना एक्चुअल पाथ जो इसका था वो चेंज होके, हो सकता है इस तरफ आ जाए चार्ज, या हो सकता है इस तरफ चार्ज आ जाए, मतलब चार्ज क्या होगा, अपने पाथ को चेंज कर देगा। ये हम जानेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे आसपास। ये आपने यहाँ पे समझा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। ये हमने यहाँ पे समझा नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाने के बाद। अब जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेंगे, तो इस पर हमें निकालना है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। फोर्स की डायरेक्शन हम निकालेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये हमें बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी
और वी यानी कि चार्ज का मोशन कुछ इस तरफ होगा, चार्ज का मोशन किस तरफ होगा, इस तरफ। मान लीजिए चार्ज का मोशन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ये हमने जाना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस तरफ, हम निगेटिव चार्ज की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ से ये इस तरफ हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ मोशन कर रहे थे ऐसे ऐसे, वो सारे इस तरफ आके इकट्ठा हो जाएंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इधर निगेटिव डेवलप हो जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जब ये खाली हो जाएगा प्लेस, तो यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, जिसको हम नापेंगे वोल्ट मीटर लगा के। यहाँ पे मैंने वी मतलब वोल्ट मीटर लगा दिया किनारे पे कंडक्टर के, जिससे हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज कैसे मिला, चार्ज जा रहे थे इस तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज क्या हो गए, फोर्स लगा, आप देख सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन निगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो चार्ज इस तरफ आ गए निगेटिव वाले, और पॉजिटिव वाले इस तरफ हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इससे ये होगा कि यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग वोल्ट मीटर से मेज़र करेंगे। तो ये आपने यहाँ पे समझा। चलिए कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ये समझा कि इधर निगेटिव चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इस पे कौन से फोर्स लगा, भाई लॉरेंस फोर्स लगा, इसी के वजह से तो ये हुआ, लॉरेंस फोर्स के वजह से ही तो हुआ। लेकिन एक बात और है यहाँ पे जैसे ही चार्ज इधर उधर हो जाएंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वी से मेज़र कर लेंगे वोल्ट मीटर से। इससे ये होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन होगी, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स, अभी तक आपने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से होगी, प्लस से माइनस की तरफ, इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, प्लस से माइनस की तरफ होगी, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। अगर मान लें कि अब भाई इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, और मैग्नेटिक की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी हम देख रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है। अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई चार्ज तो अपने स्थान पे मूव करेंगे, ऐसे आराम से मूव करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक। अब एफ मैग्नेटिक मतलब लॉरेंट्ज़ फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी, तो यहाँ पे मैंने वी डी लिख दिया, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, और यहाँ पे बी। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, और यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, क्योंकि इसको हम कहेंगे हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये हॉल वोल्टेज की वजह से, सॉरी, ये हॉल इफेक्ट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा EH इज इक्वल टू वी डी बी। एज वी नो कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है, मतलब इस डिस्टेंस के, विड्थ ऑफ द कंडक्टर, इस डिस्टेंस के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के बराबर क्या होता है, वोल्टेज। तो ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे EH के जहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे EH के जहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V, कैपिटल V इज इक्वल टू वी डी बी, यहाँ पे हम EH के जहाँ पे रख देंगे इंटू D। तो यहाँ पे हम V को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल E से, क्यों, क्योंकि वोल्टेज को हम EMF भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, EMF, कुछ कंडीशंस में हम वोल्टेज को EMF भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू वी डी बी इंटू D, और D क्या है, यहाँ पे विड्थ ऑफ द कंडक्टर, ये है D, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जाना कि हॉल वोल्टेज या फिर हॉल EMF क्या होता है। यहाँ पे आप किनारे देख सकते हैं कि मैंने किससे डिनोट किया है, हॉल वोल्टेज और हॉल इफेक्ट हमने यहाँ पे समझा, जिसमें हमने क्या समझा, एक बार मैं फिर से रिवीजन कराना चाहूँगा, हॉल इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है,
तो हम क्या कर देंगे, उसके आसपास मैग्नेटिक पोल लगा देंगे, जिससे क्या होगा, इसके चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे सारे के सारे, इस तरफ फ्लो हो रहे थे ना भाई, इस तरफ फ्लो रहते सब इस तरफ आ जाएंगे। जब इस तरफ आ जाएंगे तो इधर निगेटिव डेवलप हो जाएगा और इधर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। निगेटिव और पॉजिटिव के डेवलप होने से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी वोल्टेज डिफरेंस, जिसको हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के मेज़र कर लेंगे। यही है हॉल इफेक्ट, और यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को भी ड्राइव किया। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।